तू आ गया। अरे हाथी कैसे बीच में आ गया, तू हट ना। तुम देख सकते हो वो कितना खतरनाक है भाई, उसमें तो आते हैं हमारे भाई। हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पाल वन, और आज हम पकड़ने वाले हैं ब्लाजमत रूपो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर, और यहाँ पे मेरे जितने भी पोकेमोन है यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर ही रहे। गेम पे काम करो वरना खाना नहीं दूंगा। और इस तरफ मैंने कुछ अंडे उबालने के लिए रख रखा है, तो जल्दी से इन अंडों को फोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सा नया पोकेमोन आता है बाहर निकल कर। किंग है जो पका हुआ पैदा हुआ है। तो इस तरफ मैं मछलियाँ पकड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे एक भी मछली नहीं है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उन लोगों ने सारी मछलियाँ यहाँ की खा ली है। तो चलते हैं कुछ नए पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए फटाफट से नए आइलैंड पर। तो मुझे यहाँ पे एक नया पोकेमोन दिख चुका है, जल्दी से पकड़ता है। लेकिन और ये मुझे देख के भाग क्यों गया है गाइस? ऊपर से कुछ गिरा अभी, जल्दी से जम के देखते हैं। ये तो पैसा नहीं है, तो ये लोग है क्या है? और ये लास्ट वाला, इसको भी ले गया वो। और ये मुर्गिया पता नहीं कहाँ से आ गई है और मेरा पीछा कर रही है। अरे अरे छोड़ दे मेरा, और इतना तेज ब्लास्ट भाई, मैं अभी मरते मरते बचाऊ। और ये देख रहे हो ये दो दो टिंगी टिंगी सी मुर गया, इसको मेरे से कोई दूर करो यार, ये बार बार पास में क्यों आ रही है? ये फिर फटेगी। और जला दिया भाई, फिर जला दिया, जल्दी पानी में चलो। अब जाके राहत मिली। अभी इस लास्ट वाले सिंडिकेट को बताते हैं। ये लो काम तमाम, कुछ नए गोरिल्लास के साथ फाइट कर रहे हो, और हमारे पोकेमोन ने भाई इनकी बैंड बजा दी। देख रहे हो तुम अकेले, और छुटके बात करता है। रुक अभी तेरे को बताता हूँ मैं, जल्दी से इसे पकड़ते हैं, क्योंकि आज मुझे इसको पकड़ के रहना है, आज मुझे इसकी सवारी करनी है। लेकिन ये गोरिल्ला पोकेमोन पता नहीं बार बार बीच में क्यों आ जा रहा है, तो जल्दी से पकड़ते हैं इसकी हेल्प। मार दिया तूने, अरे तू भी मरा। रात हो चुकी थी, तो जल्दी से सोने चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है, और हम चलते हैं उसी आइलैंड पे कुछ और नए पोकेमोन को पकड़ने। मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ ऑस्ट्रिच के साथ, और ये भाई ये बहुत ज्यादा डैमेज दे रही थी, लेकिन मैंने अभी इसके M416 से बजा दिया, और इसकी हेल्थ भी बहुत ज्यादा डाउन कर दिया। और ये क्या, तुम मर गई? उठना, अरे बाबा उठना, उठ जा। तो गाइस मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे एक और ऑस्ट्रिच जैसा वही सेम पोकेमोन दिख रहा है, तो जल्दी से इसको पकड़ते हैं। और हमारे जेटा ड्रैगन ने यहाँ पे एक फायर बॉल अटैक इसके ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और मैंने इसमें भाई M416 से भी गोली फायर कर दी, और इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन कर दिया। जल्दी से इसे पकड़ते हैं, आजा नहीं, आजा नहीं। तो आखिरकार गाइस हमने पकड़ लिया एक ऑस्ट्रिच जैसा पोकेमोन। तो पहले मैं तुम्हें उस गोरिल्ला वाले पोकेमोन की शक्तियाँ दिखाता हूँ। तो ये रहो, तू बस छाती ही पीटता रही हो, और इस तरफ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इसकी पावरफुल शक्तियाँ। तो जल्दी से इसके ऊपर बैठ कर ये उछलेगा, ये एक और उछलेगा। गाइस ये कितना ऊपर उछल रहा है, तुम देख, और सामने की तरफ मुझे दो मेंढक मिल गए, और इसने हम पे अटैक कर दिया। मैंने अपने ऑस्ट्रिच को भेज दिया, अब देखते हैं ये भाई उनकी बैंड बजा देगा, तुम बस देखते रहो। भाई दोनों भी मार दिया, अब इसका क्या करे? फुटबॉल बना के खेले गए, मैं कोई बात नहीं, ये भी फुटबॉल से कम है क्या? ये मैंने मारा गोल। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ ब्लाजमत रू को पकड़ने के लिए। बेसिकली हम उसे पकड़ नहीं सकते, उसको हमें समन करना होता है। तो मैं एक ऐसी ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे हम उसे समन कर सकते हैं। तो ये पहले हमें यहाँ पे समनर लगाना होगा, उसके लिए हमें चाहिए पत्ता। देख रहे हो गाइस, मैं तो वाले कितनी मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। इतना वजन सहज के मेरे को ये उठाना पड़ रहा है, इसको लगाते कैसे? अरे मेरे को लगाना ही नहीं आता, कैसे लगाते हैं? गाइस इसको लिए भाई बेस के ऊपर हमें ये बनाना पड़ेगा, जल्दी से ना इसे बेस को पहले कंप्लीट करते हैं, और हम यहाँ पे अपने सारे पोकेमोन को जल्दी से उतारते हैं। तो गाइस ये रही हमारी सेना, इसी सेना से हम ब्लाजमत रू को हराने वाले हैं। तो जल्दी से ना ब्लाजमत रू को नीचे बुलाते हैं, और यहाँ पे मैंने समनर जो है वो लगा दिया है। तो गाइस अब वक्त आ चुका है ब्लाजमत रू को बुलाने का, और मैंने वहाँ पे भाई लगा दिया कार्ड, और ब्लाजमत रू आ गया। अरे हाथी कैसे बीच में आ गया, तू हट ना। तुम देख सकते हो वो कितना खतरनाक है भाई, उसमें तो आते हैं हमारे भाई 13-14 पोकेमोन को। उसने भाई एकदम से उसकी एक ही वजह में जान ले ली है। और ये गायब कहाँ हो गया? ये जादूगर है क्या? ये कहाँ गायब हो गया? अरे भाई साहब मेरी तो हेल्थ, भाई मेरी पूरी शील्ड तोड़ दी उसने, 5 लेवल की शील्ड को तोड़ दी ऐसी, और एक ही अटैक में मार दिया। ये क्या हुआ गाइस? उसने देखा, तुमने ब्लाजमत रू को देखा? उसने भाई एक ही वजह में हमारे इतने सारे पोकेमोन और हमको ऐसे हरा दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे एक नए पोकेमोन को ढूंढता हुआ आया हूँ, ये रहा नया पोकेमोन, जल्दी से ना इसको कैप्चर करते हैं। फिलहाल ना मैं इसके ऊपर से हमला करने वाला हूँ। ये भाई ऊपर देखना, और हमारे भाई जेटा ड्रैगन ने भी इस पे लेजर का हमला कर दिया, और यहाँ से एक फायर बॉल भी फेंक दिया, और मैं ऊपर से ना यहाँ पे मिसाइल से इस पे हमला किए जा रहा हूँ रॉकेट लॉन्चर से। और ये ऊपर कहाँ देख रहा है? अरे अटैक करना, नीचे ही जाना पड़ेगा। ये ऊपर नीचे किस देख रहे हैं? और ये आपस में लड़ क्यों नहीं रहे? लड़ो ना, मजाक थोड़ी ना चल रहा, लड़ो ना। ये लड़ नहीं रहे गाइस, अभी इसको बुला के नीचे लगवाते हैं। हमारे जेटर ड्रैगन नीचे आ चुका है, और देखो अब लड़ाई होगी इन दोनों में तगड़ी। हमारे जेटर ड्रैगन ने इसके ऊपर लेजर का अटैक कर दिया, और इसने भी भाई फायर अटैक किया था, लेकिन मैंने अपने जेटर ड्रैगन को वापस बुला लिया है। और ये ऊपर कहाँ चला गया है? अरे भाई नीचे आके फाइट करना, इसकी हेल्थ तुम देख सकते हो कि हमने बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है। और ये पता नहीं ऊपर ही है जब से, नीचे क्यों नहीं आ रहा, डर गया क्या? और ये पत्थर
इतना भयंकर सा पोकेमोन हो के पत्थर पैक का ऊपर से बच्चों वाली हरकत नहीं जाएगी तेरी। फिलहाल मैंने फिर से एक और लोड कर दिया, उस पर जल्दी से अटैक करता है और ये मर गया। यार मुझे कैप्चर करना था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम प्लाज्मा थ्रू को पक्का पकड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ नई प्लानिंग करनी होगी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और गुड बाय।